मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को एसएमएस हॉस्पिटल परिसर में बन रहे आईपीडी टावर का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम गहलोत ने अधिकारियों को कार्य करने की प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिए। इस दौरान चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा भी मौजूद रहे। एवन टीवी से खास बातचीत में मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा कि आईपीडी टावर का निर्माण कार्य प्रगति पर है, इसका मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निरीक्षण किया है। परसादी लाल मीणा से खास बातचीत की एवन टीवी संवाददाता दिनेश कसाना ने। अशोक गहलोत ने आज आईपीडी टावर का निरीक्षण किया है। चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा हमारे साथ है। सर, विजिट किया है सीएम साहब ने, कब तक इसका निर्माण गति पकड़ेगा और किस तक मूर्त रूप कब तक लेगा? माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं ने आज इसका अवलोकन किया है और काम में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस है, बहुत जल्दी तैयार होगा, फैसिलिटी बढ़ेगी। और ये आईपीडी जो टावर बन रहा है देश में अपने आप का अलग है, 24 मंजिल होगा। ये जो एसएमएस में जो प्रेशर बढ़ा है चिरंजीवी योजना से, उसको निश्चित रूप से आने वाले समय में उनको विकल्प देना पड़ेगा। इसलिए बहुत ही अच्छा, देश में कहीं भी नहीं बन रहा ऐसा आईपीडी टावर। मुख्यमंत्री जी ने काफ़ी इसका खुद दिलचस्पी ले रहे हैं, इसको जल्दी से जल्दी तैयार होकर जनता के लिए सुख। कोरोना में जिस तरह की समस्या आई और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती के बाद उसके बाद लगातार सरकार काम कर रही है, सीएम साहब कह रहे हैं कि मॉडल स्टेट राजस्थान बन रहा है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया ना, मॉडल स्टेट तो बन रहा है। कोई भी जिस तरह का इलाज राजस्थान में है, जिस तरह की ओपीडी बढ़ी है अस्पतालों में, आईपीडी बढ़ी है, फ्री दवाई है, फ्री जाँच है, 10 लाख तक का फ्री इलाज है, इससे निश्चित रूप से संख्या पहले से दुगनी हुई है। और उसके लिए व्यवस्थाएँ जो भी है उनको हमको सुविधाएँ बढ़ानी पड़ेगी। आप बार बार कहते हैं सर कि बहुत सारे अधिकार कांग्रेस पार्टी ने दिया है, रोजगार का अधिकार दिया है, सूचना का अधिकार दिया है और स्वास्थ्य का अधिकार भी राजस्थान देने वाला पहला राज्य होगा। देखो, मैं मुख्यमंत्री जी ने कहा है अभी कि मॉडल स्टेट राजस्थान है, ऐसा कहीं भी इलाज ऐसी सुविधाएं कहीं भी देश में कहीं भी राजस्थान जैसी सुविधाएँ कहीं भी गरीब आदमी को आम आदमी को नहीं है। 90% फैमिली इससे जुड़ चुकी है, जबकि दूसरे प्रदेशों में जो नेशनल एवरेज है वो 40% के आसपास है। तो निश्चित रूप से राजस्थान सबसे आगे है। सोशल सिक्योरिटी के अधिकार की बात होती है, अंतिम सवाल, राहुल गांधी ने भी कहा कि सोशल सिक्योरिटी के अधिकार की राज्य सरकार को जरूरत है और उसी के तहत चिरंजीवी योजना लागू की गई है। चिरंजीवी योजना को लेकर छोटी छोटी शिकायतें आती रहती हैं, लेकिन किस तरह से लोगों को इसका फायदा मिलेगा? देखो, राहुल जी ने स्वयं ने मालाखेड़ी की मीटिंग में राजस्थान की चिरंजीवी योजना की प्रशंसा की है। इसमें कोई कमियाँ होगी तो निश्चित रूप से उनको दूर करते हैं और भी आगे करेंगे। तो निश्चित रूप से ये बहुत ही पॉपुलर स्कीम राजस्थान की जो है पूरे देश में। साहब ने पत्र भी लिखा है प्रधानमंत्री को कि पूरे देश भर में इस स्कीम को लागू करना चाहिए। हाँ, निश्चित रूप से स्वयं ने व्यक्तिगत तौर पर मानगढ़ में कहा है कि राजस्थान की चिरंजीवी योजना को आप देश के प्रधानमंत्री पूरे देश में लागू करो तो देश के लोगों को फायदा होगा। अब प्रधानमंत्री जी के ऊपर है वो क्या करते हैं। थैंक यू, शुक्रिया। तो ये थे चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज आईपीडी टावर का विजिट किया है और कार्य की प्रगति की समीक्षा की। वीडियो जर्नलिस्ट दिलीप परमार के साथ दिनेश कसाना, एवन टीवी।